मैडम सती स्वागत है आज। स्वागत स्वागत स्वागतम सर। काफी अलग से किरदार में हैं आप, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को किस तरह का रोल है इस फिल्म में आपका? और ये देखिए, ये जो एक कैरेक्टर है ये किलर का है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आम जनता छक्का बुलाती है, जो ना आदमी है ना औरत है, बीच का है। अब आप पूछेंगे कि शक्ति जी, आपको इस मकाम में, इस स्टेज ऑफ करियर में आके ऐसा कैरेक्टर करने की क्या ज़रूरत है? मेरा एक ही मकसद था कि जब से मैंने जन्म लिया है, जब से मैंने फिल्में देखी हैं, मैंने बहुत किलर देखे पिक्चरों में, भाईजान की फिल्मों में बहुत देखे, महमूद भाईजान की, और भी काफ़ी कैरेक्टर देखे, सड़क में भी देखा, लेकिन आज तक किसी ने एक किलर की हिस्ट्री नहीं बताई जनता को कि किलर जन्म कैसे लेता है, किस परिवार में जन्म लेता है, और उस परिवार से दूसरे किलर इसको कैसे उठा के ले जाते हैं, इसका बचपना क्या होता है, इसकी जवानी क्या होती है, इसके बुढ़ापा क्या होता है, और इसकी मौत, इसका अंतिम इंतकाल, क्या इसको दफनाते हैं, क्या इसको जलाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं रात को, कैसे? हाँ, तो ये मैंने पहले भी कई मीडिया वालों को बोला है कि जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अभी तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि किलर का अंतिम संस्कार या अंतिम उसका कैसे, उसका पूजा पाठ करके उसको इस दुनिया से विदा करते हैं, तो इसलिए मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पूरा क्लियर नहीं हूँ, और आज का वक्त ऐसा है, गलत जवाब दे दिया तो काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, कि देखो एक आर्टिस्ट होता है, काफ़ी मजा आर्टिस्ट होता है, कुछ गलत भी मुंह से निकल जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, बट सलमान जी के मुंह से निकला था कि कुछ गलत भी निकल, ऐसा कुछ नहीं है कि उस बात को पकड़ के मीडिया को बवाल बनाया जाए। नहीं नहीं, मैं किसी के बीच में आऊँगा नहीं, लेकिन इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर पूरी जर्नी दिखाई है एक किलर की, जो एक सड़क के किनारे बस स्टैंड पे रेड स्टॉप एरिया पे भीख मांगता है, भीख मांगती है, उसका ओपनिंग है कि भीख मांग रही है, और एक नेता की नज़र पड़ती है कि मैं इस किलर के ज़रिए बहुत ताकत अपने हाथ में ले सकता हूँ, क्योंकि शायद लोगों को मालूम नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में एक इलाके में, किलरों के इलाके में कितने किलर हैं, और कितने किलर वोटों को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में शायद 7 या 8 करोड़ से ज़्यादा किलर, ये जो मेरी नॉलेज है, गलत हो गया तो मुझे माफ़ कर देना भैया। और किलरों की जर्नी क्या है, किस परिवार में जन्म लेते हैं, अमीर परिवार में, गरीब परिवार में, मीडियम क्लास परिवार में, और दूसरे किलरों को कैसे पता चलता है कि इस परिवार में किलर का जन्म हुआ है, और कैसे दूसरे किलर उस किलर को उस परिवार से उठा के अपने पास लेके जाते हैं, क्यों वो परिवार अपनी औलाद को, किलर को उनके हवाले करने में मजबूर हो जाता है, ये पूरा एक इस फिल्म के अंदर जनता की नॉलेज में दिखाया है, बताया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी आम आदमी से पूछेंगे किलर के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएगा, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए एक किलर कैसे एक सड़क से उठ के उसकी जर्नी, अपने दोस्तों की, किलरों की मदद से इतना पावरफुल बनता है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जो आज तक हिस्ट्री में हुआ नहीं। इस फिल्म में आप एक एज ए चीफ मिनिस्टर के किरदार में बनता है, उसकी जर्नी है, आखिर में चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और इसका एक ही कहना है कि क्यों नहीं किलर सरकारी नौकरियों में रखे जाते, क्यों नहीं किलर बॉर्डर पर युद्ध में रखे जाते। किलरों के अंदर कहा जाता है कि आम आदमी से ज़्यादा ताकत होती है, तो किलर को एक, और ये किलर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर महकमे में किलर को नौकरी मिले, 10% 5% नौकरी किलरों को मिलनी, क्यों नहीं किलरों को नौकरी मिलती, क्यों नहीं किलरों को पढ़ाया जाता, क्यों नहीं किलरों को स्कूल में दाखिला मिलता, क्यों नहीं वो कॉलेज में पढ़ते, क्यों नहीं उनको नौकरी मिलती, ये सब चीज़ों के लिए ये किलर लड़ता है इस फिल्म के अंदर, और प्रूव कर देता है कि एक किलर जो सड़क में भीख मांग रहा था, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है। आपके सब दो नए लड़के लड़के हैं जो अपना किरदार, एक पंजाबी मुंडा है जो आपके साथ, आपकी काफ़ी तारीफ भी करते हुए नहीं थका वो। हाँ, शक्ति जी के साथ पंजाबी फिल्में भी की हैं। हाँ, तो कैसा रहा, मतलब बच्चों क्या क्या सिखाया? अरे मैं तो शुक्र करता हूँ कि वो इस फिल्म का हीरो है,
क्योंकि इस फिल्म में पहले कोई हीरो आया था, वो कैसे आया, क्यों आया, हमारी तकदीर अच्छी थी कि उसको निकाल दिया इन लोगों ने, और फिर हमारी तकदीर अच्छी थी कि एक पंजाब का पंजाबी मुंडा, सोना मुंडा, अच्छा एक्टर, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मेरे साथ पंजाबी फिल्म में काम किया था, मुझे कनाडा भी भेजा था उसने एक शो के लिए, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भैया एक फिल्म में कैरेक्टर है, आपको करना है। तो उसने बोला आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको इनकार नहीं करूँगा। मैंने कहा अवश्य फिल्म बनेगी और तुम्हारी हो सकता है हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म हो। और आज सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं शुक्रिया शक्ति जी, आपने हमें बहुत अच्छा हीरो दिया। शक्ति जी जैसे हैं वैसे दिखते हैं, वैसे हैं नहीं, शक्ति दिल के बहुत ही अच्छे हैं। शक्ति जी, मैंने अभी आर्टिस्ट से सवाल पूछा जो नए लड़के हैं, कि शक्ति जी पहले आर्टिस्ट हैं जो नए लड़के लड़कियों के साथ काम करते हैं? हाँ, पहला आर्टिस्ट नहीं हो यार, बहुत है। नहीं, एक, आपके लेवल के जो बड़े लोग हैं बहुत कम है जो करते हैं इनके साथ। अरे नहीं नहीं सर, मैं भी तो नया आया था, मुझे भी तो काफ़ी लोगों ने मुझे मदद की, हेल्प किया। सुनील दत्त साहब ने हेल्प किया, फिरोज खान ने हेल्प किया, विनोद खन्ना साहब ने हेल्प किया। और हमेशा एक कहावत है कि समाज ने जब आपको इतना कुछ दिया है, आपका भी अधिकार बनता है कि समाज को बदले में कुछ दो। सर, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। इस बच्चे ने बताया कि मेरा स्ट्रगल चले कहाँ तक जाएगा लड़का, क्या लगता है आपको एक्टिंग के बारे में? सर बहुत, सर आप डायरेक्टर से पूछे ना, ये इसको सही फिल्में मिलनी चाहिए, और मेरे हिसाब से इस फिल्म से उसको बहुत फ़ायदा होगा। पूरी फिल्म की जान है ये, एक्शन ओरिएंटेड रोल है, इमोशनल रोल है। मुकेश ऋषि जी इनके पिता हैं, और क्या चाहिए, इतने बड़े बड़े स्टारों के बीच में है। इसकी जो पैडिंग है पिक्चर की बहुत बड़ी है, मुकेश जी हैं, शाहबाज हैं, शक्ति कपूर हैं, उसमें ये न्यू कमर है, तो मतलब उसको और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर उनके पिता भी फिल्म बनाना चाहते हैं अपनी औलाद के साथ, ऐसी पैकिंग लाना मुश्किल, बहुत मुश्किल था। आखिरी सवाल, इस किरदार के लिए कितनी तैयारियां की थी आपने, बात करें? सर तैयारी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरा बचपन से लेके अभी तक काफ़ी किलरों के साथ सामना हुआ है। मैं काफ़ी उन लोगों के बीच में रहा हूँ, और मैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी सी स्टडी करनी थी, उसमें डायरेक्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की, तो बाकी तो एक इमेजिनेशन एक्टर के दिमाग में होता है, उसको लेके वो चलता है और अपना काम करता है। और किलर के बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया, और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख बहुत ज़्यादा है, उस दुख को सुख में बदलने के लिए मैंने कैरेक्टर को हाँ बोला था। अरे नहीं यार, आप लोग अभी वो बहुत मुझे प्रेशर होता है जब मैं डायलॉग बोलता हूँ, हाँ पिक्चर में बोलेंगे।